तरीके अगर मैं आपसे पूछूं होम्योपैथिक मेडिसिन को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है? असल में ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो या गवर्नर हो या वजीर आला साहब हो, क्योंकि ये अवाम, क्योंकि जितने भी आते हैं वह अवामी नुमाइंदगी जब करते हैं तो अवाम के तरीके इलाज को पसंद करते हुए इनको चाहिए कि इस पर भी दिलचस्पी लें, हमें बजट दें ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी चीज़ है कि ये एक इम्तहानी तरीक़ेकार, जो पिछले प्रोग्राम में भी इस पर जिक्र हुआ था तो मैं आपको बताऊं, जब तक इम्तहानी तरीक़ेकार काउंसिल, ये वाहिद काउंसिल है ना, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल इम्तहान लेती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 5 काउंसिलें हैं जो मेडिकल को गवर्नमेंट सुपरवाइज करती है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल, होम्योपैथिक काउंसिल, टिप काउंसिल और नर्सिंग काउंसिल। अब टिप काउंसिल और होम्योपैथिक काउंसिल इम्तहान लेती है, यानी हुकूमत जो है ना इस पे दिलचस्पी ले और बाकायदा इम्तहानी निज़ाम को पहली फुर्सत से बेहतर करना, बेहतर करे और उसको हटाए काउंसिल से, क्योंकि जो मेम्बरान बनते हैं उनका पर्सनल इंटरेस्ट वही होता है कि इम्तहानी में सारा गड़बड़ होता है और इम्तहान की वजह से। सॉरी डॉक्टर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पे, आप कहीं नहीं जाइएगा, ब्रेक से वापस आके